मतदान केंद्र में पुलिस अधिकारी के साथ में गाली गलौज करने पर भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल पर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ। बता दें कि शांतिनगर पुलिस स्टेशन में कपिल पाटिल इनके खिलाफ में जो मामला दर्ज हुआ, 20 मई के दिन वो पांचवें चरण का चुनाव चल रहा था। इस बीच आपको बता दें कि भिवंडी लोकसभा 23 के भाजपा के उम्मीदवार कपिल पाटिल, इन्हें ये सूचना दी गई थी कि ठंडूपाड़ा स्थित अंसारी प्लेग्राउंड में जहां पर चुनाव बूथ था, वहां पर जो है बोकस वोट गिराया जा रहा है, लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। इसको लेकर केंद्रीय पंचायत राज्य मंत्री और उम्मीदवार कपिल पाटिल अपने सहयोगियों के साथ में पहुंचे। पहुंचते ही आपको बता दें कि उन्होंने वहां पर सुरक्षा को लेकर तैनात पुलिस अधिकारी सुरेश गुगे इनके साथ में दुर्व्यवहार किया और गाली गलौज कर दी। इसके बाद आपको बता दें कि यह मामला धीरे धीरे सोशल मीडिया पर गर्माता हुआ दिखाई दिया और वीडियो जो है तेजी से वायरल होता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में आपको बता दें कि सहायक पुलिस निरीक्षक जो कि शांतिनगर पुलिस स्टेशन के हैं, सुरेश गुगे, इस बात को जो है गंभीरता से लेते हुए, उनकी बदनामी हो रही है इस तरह की जो है, उन्होंने बात को गंभीरता से लिया और शांतिनगर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 186, 504, 506 के तहत अदखल पत्र गुना दाखिल करवाया। ऐसे में आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आगे की भी जांच में जुटी हुई है। लेकिन आपको बता दें कि मतदान केंद्र में जो पुलिस के साथ में गाली गलौज हुई थी, इसको लेकर ही भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल पर सहायक पुलिस निरीक्षक सुरेश गुगे ने मामला दर्ज कराया।